उत्तराखंड की कला संस्कृति को गीता उनियाल ने एक बड़ा मुकाम दिया है। उत्तराखंड की लोक विरासत में उनका अपना अनूठा योगदान है। किसी के मन में उनकी बिजुमा प्यारी की छवि रही तो किसी के मन में वीर माधव सिंह भंडारी के मंचन की उधिमा की अमित छवि रही। हाल में ही आई धारी माँ फिल्म की सफलता के लिए गीता के अभिनय को देखने वालों ने बार बार सराहा। वास्तव में कला के जिस स्वरूप को उन्होंने मंच या पर्दे पर साकार किया वह सबको अभिभूत करने वाला रहा। यही वजह थी कि किसी फिल्म एल्बम या मंचन में गीता का नाम आने पर उसकी सफल होने को लेकर हर कोई आश्वस्त रहता। जीवन के तमाम संघर्ष से जूझती हुई वह कला के लिए समर्पित रही। अंत क्षण तक वह उत्तराखंड की लोक कला के लिए जीती रही। शायद माँ धारी देवी फिल्म देखने वाले बहुत कम दर्शकों को यह मालूम रहा होगा कि फिल्म में प्रभावी अभिनय करने वाली यह कलाकार जिंदगी और मौत के बीच से संघर्ष से जूझ रही है। कैंसर की लपेट ने उनके जीवन में अंधेरा कर दिया था, लेकिन वह इस कला के लिए मुस्कुराती रही, कला विरासत को उजाला देती रही। ये आज हम सब लोग जो कलाकार जगत, उत्तराखंडी कलाकार जगत के लोग हैं, कला प्रेमी लोग हैं, वो सब यहाँ पर इसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं कि गीता उनियाल को श्रद्धांजलि दी जाए इस सभा के माध्यम से। और ये गीता जो थी ये बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थी, बहुत सुंदर कलाकार, नृत्यांगना, और मेरे साथ भी उसने बहुत सालों तक काम किया। और शुरुआत भी उसकी मेरे एक रवाई के गीत से हुई थी। उत्तराखंड के लोगों ने फिल्म में उसके अभिनय की बहुत सराहना की। तब उसने सोशल मीडिया में कहा था, आप सबका प्यार अनमोल है। ऐसे हालात में जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है तो गीता ने अपने आत्मबल को बनाए रखा। वह जिंदगी से जूझ रही थी लेकिन उसके चेहरे में चमक बरकरार थी, आवाज भी पुरजोर थी। लगता नहीं था यूं सबको छोड़कर एकाएक दुनिया से चल देगी। एक बार उसे लगा था कि शायद वह बीमारी से अपनी जंग जीत लेगी, लेकिन कैंसर फिर पलट कर आया। गीता इस दुनिया में नहीं रही। उसके निधन की खबर सुनकर जिस तरह संस्कृति कला जगत के लोग दुख माथो वाला उनके आवास की ओर उमड़े, वह बताता है कि गीता उनियाल ने अपनी कला से लोगों के मन में किस तरह पहचान बनाई थी। उनकी कला यात्रा लगभग 20 साल की है। इस दौर में गीता ने अपनी संजीदगी से अपना एक अलग मुकाम बनाया। उत्तराखंड के संगीत पर उसके नृत्य लोगों को भाए। हमारे उत्तराखंड को बहुत ही नुकसान हुआ। एक हमारी इतनी सक्षम अभिनेत्री उत्तराखंड की, जो कि इतनी लोकप्रिय और इतना अच्छा स्वभाव, इतना कम समय तक उसने इस इंडस्ट्री को दिया। इस मतलब बहुत ही छोटी उम्र में वो हमें सबको छोड़ के चली गई है। ये तो बहुत ही हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और बहुत ही दुख है हम सबको, हम सभी उत्तराखंडी इंडस्ट्री को। हम बहुत ही हृदय से उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ख़ासकर उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम सबको ही बहुत दुख है, क्या करें। और उसका पूरे परिवार को भगवान बस इस समय को सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड के गायक गायिकाओं संगीतकारों को उसकी कला का साथ मिला तो उत्तराखंड के जीवन में और रस बरसा। गीता ने हर तरह की भूमिकाओं से उत्तराखंड की फिल्मों को सवारा। एकल गीत हो या फिर युगल गीत, हर तरह के गीतों में उसका सुंदर अभिव्यक्ति रही है।
खासकर उत्तराखंड के लोक पारंपरिक गीतों को उसने बखूबी पर्दे पर साकार किया। प्रख्यात कलाकार बलदेव भंडारी निर्देशित वीर माधव सिंह भंडारी के मंचन में उनकी उदिता की भूमिका हमेशा लोगों के मन में रहेगी। वीर माधव सिंह भंडारी के देश भर में कई मंचन हुए और उत्तराखंड की नाट्य विधा में इसकी अपनी एक बड़ी पहचान बनी। उत्तराखंड की संस्कृति को पहचान देने वाली गीता उनियाल पौड़ी की रहने वाली थी। पौड़ी की हवाओं में भी कला संस्कृति है, यही कि गीता ने 2002 में उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उनकी एल्बम बनती गई और फिल्में आती गई। उन्हें वह अपने शानदार अभिनय की बदौलत बेहतरीन अदाकारा कहलाई। देश विदेश में उनकी कला का प्रदर्शन हुआ। मेरू गो, कन्यादान, जय माँ धारी, भूली ए भूली, खेरी का दिन, संजोग अभी, जगवाल के राम, ब्योप्योली, जवान हुएगी और जय धारी माँ जैसी फिल्मों की यह यात्रा है। उन्होंने अपने करियर में 17 फिल्मों में काम किया। इसी तरह तेरी खुद, शुभागा, बिजुमा प्यारी, सुनीता स्याली, जुनियाली रात जैसे करीब 300 वीडियो एल्बम में उनकी कला को संजोए हुए है। समझा जा सकता है कि 2 दशक के कैरियर में वह अपने काम के प्रति किस स्तर पर समर्पित थी। अपने पति और एक बेटे के साथ एक मध्यवर्गीय जीवन जीते हुए वह उत्तराखंड लोक संस्कृति की सेवा कर रही थी। उत्तराखंड के कला जगत में अफसोस यह भी है कि यहाँ गीत संगीत में गायक गायिकाओं को प्रसिद्धि मिल जाती है। किसी भी एल्बम के आने पर या गीत के आने पर गायक गायिकाओं को अपेक्षित श्रेय मिलता है, लेकिन उसकी अभिनय करने वाले कलाकारों को उस स्तर पर सम्मान नहीं मिल पाता, जबकि 2-3 गाकर ही गीत गाने वाले चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन इस लिहाज से देखें तो 17 फिल्मों और लगभग 300 एल्बम की कुशल अदाकारा का चर्चा आकाश और ऊंचा होना चाहिए था। संघर्ष करती गीता को जब कहीं और से ना सही कला जगत से भी कुछ मदद मिलनी चाहिए थी। ज्यादा दिन नहीं हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वालों का आभार जताया था। तब उन्हें क्या पता था कि ये उनके आखिरी शब्द हैं। एक कलाकार के बतौर लोगों के मन में हमेशा उनकी जगह रहेगी।